कोरोना संक्रमण के कहर को देखते हुए अब बिहार में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कैंप चलाया जाएगा। इसमें घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि 16 अप्रैल से कोविड 19 के लक्षणों वाले व्यक्तियों की पहचान के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग बिहार के 4 प्रभावित जिलों से शुरू होगी। सीएमओ की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार 16 अप्रैल से ये अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें सीवान, बेगूसराय, नालंदा और नवादा जिले शामिल होंगे। पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर पहल की जाएगी और इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जहां बीमारी से संक्रमित लोग पाए गए हैं। साथ ही डोर टू डोर स्क्रीनिंग कैंप में सीनियर सिटीजन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा और 1 से 23 मार्च के बीच राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की भी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग करने वालों को भी प्रोटेक्टिव डिवाइसेज जैसे मास्क और दस्ताने दिए जाएंगे। बता दें कि बिहार में अब तक कोरोना वायरस के 66 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 26 मरीजों को ठीक कर छुट्टी दे दी गई है। न्यूज़ डेस्क।